हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स मी शिकायना मेरलिन। सो आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। सो आज का जो ब्लॉग है वो बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज मैं फिर आ गई हूँ एक कार्निवल पे, और ये हमारे चर्च का कार्निवल है, और इसमें मेरा नेल आर्ट का स्टॉल भी है, और किसी आपका किससे है, आपका मेरा पास्ता का स्टॉल है और भेलपूरी का स्टॉल है, क्योंकि मुझे पास्ता बहुत पसंद है, तो मैंने कहा कि मैं पास्ता का। एंड यू नो कि मेरा तो नेल आर्ट एज यूजुअल, तो अभी जो है हम सारी प्रिपरेशन करेंगे, वो आप सबको मैं अपने साथ दिखाऊंगी। सो स्टे कनेक्टेड विद मी। अभी जो है हमारे यहाँ पर टेबल्स लग रहे हैं, विनिश तो अभी बिल्कुल ऐसी आई है, बिल्कुल फारिग होके आई है, क्योंकि इसके कपड़े नहीं स्टिच हुए अभी तक। और ये भी हमारे यहाँ पर टेबल रख रहे हैं, फिर हमने सारा डेकोरेट करना है यहाँ पर। चलो भाई पूरा डेकोरेट कर लो जल्दी जल्दी। गाइस टुडे आई एम वेरी बिजी। अच्छी कायना को शूट करने का टाइम नहीं मिल रहा, तो मैंने बोला चलो मैं तुम्हें शूट कर देती हूं। वाह शूट तो देखो कैसे हो रहा है, कैसे हो रही है व्लॉगिंग बेटा। मैं बहुत कम व्लॉगिंग करती थी, इसलिए मुझे आइडिया नहीं है। यू कैन प्लीज इग्नोर। ये हमारा किसका फेस पेंटिंग, फेस पेंटिंग का हो रहा है। ये हमारा मिकी है। गाइस ये फाइनली बहुत बहुत मुश्किलों से खड़ा हुआ है, क्योंकि ये खड़ा ही नहीं हो रहा था। अभी हम लोग ने इसको बहुत मुश्किलों से खड़ा किया, क्योंकि हवा भी बहुत ज्यादा चल रही थी। अभी एक और नहीं हम लोगों का खड़ा हो पा रहा। अब इसको भी हम लोगों ने जुगाड़, पाकिस्तानी जुगाड़ करके उसको भी खड़ा किया है, ये वाला। अभी ये फाइनली ये भी खड़ा हो गया है पूरा, हम कामयाब हो गए। और गाइस एक और बात, मैंने अपने बालों में करवाया है कलर, और मैंने इसका व्लॉग नहीं बनाया था। सो अभी आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप सबको मेरा न्यू हेयर कलर, मेरी न्यू लुक कैसी लगी है, और आप सब मुझे अपने कमेंट सेक्शन में मेरे बताएं, ताकि मुझे पता चलेगा कि हाँ अभी मेरा अच्छा लग रहा है कलर या नहीं। इंसान इतनी मेहनत मुशक्कत करके अपने घर से फाइनली आ गई है यहाँ पर, जो हम इतने ज़्यादा थके हैं, उसको कोई एहसास नहीं है हमारा। और अभी अभी इस टाइम आई है, बेटा टाइम देखो आप, टाइम क्या हो रहा है। तो हाउ आर यू खेजा, मैं सबसे व्लॉग में यही पूछती हूँ, जब भी मेरे पास कोई आता मैं कहती हूँ हाउ आर यू, कैसी है आपकी ड्यूटी, कैसी चल रही है जिंदगी, चल रही है बस, चला ही रहे हैं यार हम लोग। बड़ा कोई ये पार्ट डिलीट तो नहीं होगा बेटा, मैंने व्लॉग एडिट करना है, मैं नहीं करूँगी। आपको सिर्फ वॉलंटियर कर रहे हैं, आप बना के दे रही है यार हमें, आप बना के दे रही है। हाँ मैडम कुछ क्या कर रही है, ये कब से आपने शुरू कर दिया ये काम, बस प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं इन फ्यूचर के लिए, क्यों घर पे लगाना आपने। बिल्कुल ये देखो, हम तो बड़ा बड़ा देश का वाला काम है। ये क्या है, पास्ता, दिस इज पास्ता। ये कृषि का और फाजा का स्टॉल है भाई, पास्ते का और भेलपुरी का। मेले से बहुत टायर्ड होके आ गई हूँ, क्योंकि मेरा नेल आर्ट का स्टॉल था, और मेरे को व्लॉग बनाने के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं था। आप सबको मेरी हालत से पता चल रहा होगा, मैं इतना 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 ज़्यादा थक गई हूँ, अभी मुझे दूसरा व्लॉग भी शूट करना है। सो आई होप कि आप लोगों को ये मेरा व्लॉग मुझे तो पता भी नहीं कि कैसा बना है। सो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय।